एक आदमी बंदूक साफ कर रहे थे, तो कब बंदूक, बंदूक जब आप लीजिएगा ना, खैर आप लोग को तो उतना आइडिया नहीं, तो जो ट्रिगर होता है ना, इसका सेंसिटिव आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप ट्रिगर को टाइट रखना चाहते हैं या ट्रिगर को नॉर्मल रखना चाहते हैं। तो कुछ आदमी की आदत है ट्रिगर को एकदम नॉर्मल रखते हैं, हल्का सा एयर टच कीजिए, इतना टच कीजिएगा तो चल जाएगा, समझ में गए, एकदम सॉफ्ट। और किसी किसी की आदत है तो टाइट रखते हैं, थोड़ा बरियारे मारना पड़ेगा तब चलेगा। तो जिसका जैसा आप कैसे मान के चलिए घर में रख रहे हैं, तो थोड़ा टाइट करके रखे ट्रिगर, सोचा कि गलती से कौन लेकर, वो एकदम धीमा रखे थे, अब बैठल थे कहीं, समझ गया, अब बैठे बैठे इसे रखे थे, पोछ रहे थे, पोछते पोछते वो उंगलिया से ना टच हो गया, एकदम धीमा था, चल गया है धन से। यहाँ पे एक आदमी को लग गया वहां पे बगले में, और लग गया उसको वहां पे, उसको पता ही नहीं चला, तुरंत दर्द नहीं कर, सुन्न हो जाता है तुरंत, इतना तगड़ा लगेगा, यहाँ पर ऐसे हिल गया। तो ऐसे लगा ना कि लोग डर गए हैं, क्योंकि गोलियां चल धम से आवाज करे तो लोग डर गए हैं यहाँ पे। तो पूछा गोलियां चल गया क्या हो, वो जिसको लगा वही पूछ रहा है गोलियां चल गया क्या हो, वो भी कर हाँ हो गलती से चल गया, देखा ना क्या हुआ, थोड़ी देर बात कर रहा है ना, लगता हमरे लग गया। अरे गनीमत था उसका कि यहाँ लगा था, यहाँ पे थोड़ा नीचे लगा रहता तो फेफड़ा उपड़ा निपटाता, थोड़ा ऊपर लगा रहता तो ब्रेन लगा। बड़ी खतरनाक चीज होता है बंदूक वगैरह ये सबसे। तो वो जो आ रहा है वो क्या है, आवेग, मतलब एक तगड़ा बल छोटे देर के लिए निकल जाता है तो क्या कहलाता है, आवेग। ब्याह शादी में नहीं देखते हैं गोली उली चलाता है सब यहाँ पे ब्याह हुआ घर में, और ये बाप हो बाप, तो राइफल रखा हुआ था, तो पता नहीं कौन आदमी हो रखता है सब ना, तो रखे हो तो लोड करके मत ना रखो, गोली निकाल के रख दो, रखा हुआ था। तो हम लोग दो तीन आदमी खेल रहे थे लोग, तो राइफल वो हम उठा लिए, दिख 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 दिख, अरे ब्याह में सब फायरिंग वायरिंग के लिए रखा था, तो चलाने का चल गया। तो घर होता है ना घर, तो घर के ऊपर लगा यहाँ पे, ऊपर लगा यहाँ पे, तो यहाँ का ईंटा टूट गया, लगा तो ईंटवा टूट गया। अब मेरा एक दोस्त था नीचवा था यहाँ पे, उसके ऊपर ईटवा गिरा, ईटवा से उसका सरवा फूट गया और हल्ला हो गया कि मार दे लो गोली। अरे बाप रे बाप, सच बता रहे, किसी का चेहरा, ब्याह ब्याह में मातम पसरा था यहाँ पर, और सर फूटल था, खून आ रहा है, और चला क्या था गोली, भागी भागी हॉस्पिटल। लोग कह रहे हैं कि बच तो कहाँ हॉस्पिटल में, सर में गोली लगते तो बच तो कौन, बाकी सब तो हमको धके तबड़िया दिया, जिसको देखो उसको। हम लोग उस समय 6 या 7 में थे, दूसरे के यहाँ बारात था, वहां पर चल, अब बेवकूफ रखने वाले का देखो, हाँ एक 6-7 के आदमी को कितना बुद्धि रहता है, जाने अनजाने में हवे में मारा था आदमी, 90 डिग्री में मारा तो भारी होता है, धम से ऐसे हो गया लग गया यहाँ पे। जब गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कंफ्यूज, ये कौन गोली लगल हो। उसको बस यहाँ फटा हुआ था, फटा हुआ था, तब जान में जान आया यहाँ पे, तब तहकीकात हुआ, हुआ क्या था, तब देखे लोग फूट गया है, उनमें से जो ईंटवा गिरा है ना ओकरा से कड़मुड़िया फूटल है, तो ईंटवा भी फूटा आवेग के कारण, और ईंटा से कपार फूटा आवेग के कारण, यानी बल जब थोड़े समय के लिए लगे तो क्या होता है, आवेग। जब आप कभी बिछला के गिरते हैं तो 1 सेकंड के लिए गजब फील होता है, और हड्डी पस भी टूट जाता है, नहीं होता है किसी वैसे, आवेग, समझा गया, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट समझा गया कि नहीं, अब ऐसे कैच कर रहे हैं, कैच पाक से आके इस पे लगता है, चट से इस पे, किसके वजह से, आवेग, किसके वजह से, आवेग के कारण। आवेग को अगर कम करना है तो संवेग को कम करना पड़ेगा, किसे कम करना पड़ेगा, संवेग, आवेग को कम करने के लिए संवेग कम करना पड़ेगा, और संवेग को कम करने के लिए वेग को कम करना पड़ेगा, संवेग को कम करने के लिए वेग। तो जब क्रिकेट खिलाड़ी कैच रोकता है ना, तो जब बॉल आ रहा होता है ना, तो उसे पता है मार के हाथ तोड़ दे तो ही, किसके लगेगा क्या, आवेग, लेकिन आवेग को कम करने के लिए संवेग कम करना पड़ेगा, और संवेग डायरेक्ट कम नहीं होता है, संवेग कम करने के लिए वेग कम करना, तो वेग कम करने के लिए ना बॉल के आ रही डायरेक्शन में एकदम बढ़िया से हाथ पीछे खींचा जाता है, ताकि वेग कम हो, जैसे वेग कम होगा क्या कम होगा, संवेग, और संवेग कम होगा तो आवेग कम होगा, झटका नहीं लगे, समझ में गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, तो एकदम बढ़िया से मैच करना पड़ता है यहाँ पर, इन की अकलेल पकले से कहेंगे तो कैच पहले ही हाथ घुमाते करो, विकेट के पीछे जो खड़ा होता है विकेट कीपर,
विकेट कीपर उसको हाथवा आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि पीछे खड़ा है जस्ट, उसकी मजबूरी है कहां से पीछे ले पाएगा, उसके पास टाइमिंग बहुत कम रहती है। तो तब कहा जाता है कि भाई तुम हाथ तुर लेगा तो तुमको ग्लव्स दे देते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है ग्लव, बाकी केकरों ग्लव्स नहीं देता है, उसकी मजबूरी है पार्ट से, उसके पास इतना कम टाइम है ना कि मेंटेन नहीं कर पाएगा, हेलमेट वेलमेट दे दिया जाता है, तो कूल पूरा बुलेट प्रूफ पहन के बैठ जाता है आ भाई मार। लेकिन उस जगह पे जो रोल धोनी ने किया